अच्छे ही दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, मुनाफे का फिगर भी हमारे उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है, पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर है। पर वैशाली, आपसे एक बार टेक्निकल फ्रंट पे जानना चाहेंगे। ओके, उसके पहले हमारे साथ काजल गांधी जुड़ चुकी हैं। वैशाली, हम आपके पास ज़रूर आएंगे, पर कुछ सवाल काजल के लिए। काजल, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया ETNA स्वदेश पे समय देने के लिए। SBI के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, हमारी उम्मीदों से तो बेहतर आए हैं नतीजे, आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? और जिस तरीके का हम कट देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस काउंटर में? इवन रिजल्ट तो देखा जाए तो स्ट्रांग है, NII भी ग्रेटर देन एस्टिमेट्स पे है और बॉटम लाइन भी आपका पैट लेवल पे स्ट्रीट और हमारे एस्टिमेट के ऊपर है. बट रिसेंटली द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड अ बिट और पॉसिबली वही एक रीजन होना चाहिए कि एक लेवल का, बिकॉज द स्ट्रांग नंबर्स हैव ऑलरेडी कम, एक लेवल का प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं. बट इसको आई थिंक उस तरीके से नहीं देखना चाहिए. अगर स्टॉक में एसेट क्वालिटी इशू आगे चल के नहीं आएगा तो स्ट्रक्चरली पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए. ओके, स्ट्रक्चरली पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। काजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपनी एनालिसिस SBI पे शेयर करने के लिए। पर वैशाली, हम आपसे एक बार टेक्निकल फ्रंट पे समझना चाह रहे थे, क्योंकि शो की शुरुआत में ही आपने अपना एक पॉजिटिव नज़रिया शेयर किया था, हालांकि नतीजे आपके नज़रिए के साथ ही आए हैं, पॉजिटिव नतीजे आते हुए दिखे हैं, पर स्टॉक प्राइस उल्टा रिएक्ट कर रहा है। क्या यहाँ से कुछ स्टॉप लॉस रिविजन किया जाएगा या फिर स्टॉप लॉस कहीं हिट तो नहीं, एक बार आप उस पर अपडेट दे पाएंगे? So normally we don't play results, but trend तो ठीक ठाक है। 575 का नियर टर्म का स्टॉप लॉस है और टारगेट था 590 जो हो चुका है। सो अभी दोबारा एक बार 590 क्रॉस करता है, देन फर्दर टारगेट्स आते हैं 620 के। सो 575 के नियर टर्म स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, SBI को लेकर ये व्यू तो पूरी की पूरी एनालिसिस हमने कर ली ना.